काउंसलर का अथॉरिटी जो है रास्ता ठीक रहे, लाइट्स टाइम पर जले, ड्रेनिंग सिस्टम अच्छा रहे, कभी बरसात हो तो पानी जल्दी से निकल जाए। देख रहे इंडिया न्यूज, मैं आपका होस्ट नूर आलम। जैसा कि हमने देखा 27 फरवरी को चुनाव हुए, 2 मार्च को नतीजे निकले, नतीजे के बाद जो गहमागहमी रही सारी सियासी पार्टियों में वो देखने के काबिल रही। आपने देखा होगा हमारे चैनल के माध्यम से वोटिंग के दिन हम लोगों ने कमट्टी विधानसभा क्षेत्र के माननीय सेल के प्रेसिडेंट इम्तियाज अहमद से बातें की थी और उस दिन के मामले पे उन्होंने अपने तासुरात पेश किए थे। आइए हम लोग बात करेंगे सरासरी की, ये जो नतीजे आए उसके सिलसिले में और इनके पार्टी ने जो खोया उपाया उस सिलसिले में बात करेंगे। इम्तियाज साहब, इंडिया आज में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप लोगों ने जिस तरह से हमारे कमट्टी म्यूनसिपल्टी के जो चुनाव सामने हुए हैं उस पर जिस तरह से आपने और आपकी टीम ने मेहनत की है, उसके जरिए कमट्टी का आवाम और पूरे मगरबी बंगाल के आवाम आपके चैनल को मुबारकबाद पेश करती है कि बहुत कम वक्त में आपने ग्रास लेवल के न्यूज़ को पूरे मगरबी बंगाल में फैलाया है। दास साहब, पहले आप लोगों का कमट्टी म्यूनसिपल में 3 सीटों पर कब्जा था, इस बार आप 31 सीट हासिल किया, क्या कहेंगे इस बारे? अमर इकबाल का एक शेर था कि जाके कोई कह दे सोलो से चिंगारी से, जाके कोई कह दे सोलो से चिंगारी से, फूल इस बार तो खिलेंगे बड़ी तैयारी से, बड़ी तैयारी से। तो इस बार यही हुआ है कि 30 सीट था, एक हम लोगों ने इजाफा किया है, टारगेट था 35 में 35, मगर 4 सीट हम लोगों ने गवाया, 3 इंडिपेंडेंट और 1 CPM के झोली में गया। कोशिश हम लोगों ने की थी मगर फतह और शिकस्त मुकद्दर की बात है, मुकाबला तो दिलाना तो उन्होंने खूब किया, उन लोगों ने अच्छी कोशिश की और उनका रिजल्ट उनके साथ रहा। इम्तियाज साहब, जहां आपने 30 लिया था इस बार 31 लिए, वहीं पे कमट्टी जो खासकर जो 1 से 7 वार्ड है, आपके पास सातों का सातों वार्ड थे लेकिन इसमें सिर्फ आप 5 सीटें हासिल कर पाए, 2 सीटें आपके हाथ से चली गई, इस बारे में आप क्या कहेंगे? थोड़ा सा आवाम पर कुछ कैंडिडेट की वजह से नाराजगी थी और उसका भुगतान हम लोगों ने भोगा है, मगर मैं यही कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि जो सीट हम लोगों ने हारा है वहाँ के जो कैंडिडेट थे वो फिर से अपने इलाके के जो काम है, काज है, जिसे दोबारे सरकार आने वाला है, ठीक है, वो इस बार नहीं जीत पाए, कोशिश करें और कोशिश करने से ही कामयाबी मिलती है। अगर कोशिश नहीं करिएगा तो फिर आप यहीं से आपको बैक हो जाना होगा। तो मैं उन लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि आप लोग इलेक्शन हार गए हैं मगर पार्टी में आप लोग हैं, पार्टी की खिदमत कीजिए, लोगों की खिदमत कीजिए, बढ़ चढ़ कर सोशल वर्क कीजिए। अगर कोई आपके दरवाजे पर जाता है तो उसको मायूस ना लौटाइए, अपने आसपास के जो आपके दोस्त हैं, अहबाब हैं, जो जीत कर आए हैं, अगर उनको उस तरह की कुछ मदद चाहिए, आपके इलाके के लोगों को, जो सीट हम लोगों ने हारा है 5 नंबर और 6 नंबर, तो वो अपने अगल बगल वाले काउंसलर से, उधर 7 है, 5 के बगल में 4 है, 3 है, तो इन लोगों से जोगाजोग कीजिए ताकि जो पब्लिक आपको वोट दी है अगर वो जा रहे हैं आपके पास, रिजल्ट नहीं हुआ तो रिजल्ट नहीं हुआ तो इसका मतलब नहीं कि आप फील्ड से बाहर हो गए, आपको फील्ड से फील्ड में उतरना होगा और काम करना होगा। 5 साल के बाद इंशाल्लाह रहमान तैयारी कीजिए, फिर देखा जाएगा, फिर किस्मत आजमाइए। दास साहब, आपने वोट देने की बात कही तो कमट्टी के लोगों का कहना है, जो नतीजे आए हैं, कि अगर पूरे तौर से वोट देने को मौका मिलता आवाम को तो जो 2 सीट हाथ में आया, जो आपके 5 सीट आई आपके कब्जे में, वो भी 2-1 सीट उधर हो जाते, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, आप लोगों ने MLA इलेक्शन का रिजल्ट देखा है, अगर उसको देखने के बाद अगर यहाँ पर 2 सीट गया है तो ये हम लोगों के लिए बदकिस्मती की बात है, क्योंकि MLA इलेक्शन में हर वार्ड से हम लोगों ने कहीं पर 1500, कहीं पर 4000, कहीं पर 5000, कहीं पर 3000, कहीं पर 2000, सातों वार्ड से हम लोगों ने लीड दिया था, मगर कुछ नाराजगी थी लोगों में और कुछ उस दिन वायलेंस भी हुआ था, ईंट पत्थर का मामला था और कुछ 2-1 नाखुशगवार वाकया भी पेश आया था, इसके वजह से पब्लिक का रवैया थोड़ा बदला हुआ था और भुगतान हम लोगों को 2 सीट गंवाना पड़ा। हम लोग की कोशिश होगी कि इन सब चीज़ों को ठीक करके, जो चला गया वो पास था, गुजर गया, सामने प्रेजेंट है, फ्यूचर है, ये दोनों को हम लोगों को फोकस कर चलना है
और मैं फिर एक बार उन दोनों कैंडिडेट से गुजारिश करूंगा कि आप लोग ग्रास लेवल पे से काम कीजिए, इंशाल्लाह रहमान 5 साल में एक अच्छी तादाद में आप फिर से वापस आएंगे। इम्तियाज साहब, एक नेशनल लेवल का मुद्दा को लेकर के हम लोग बात करते हैं। कल जैसे ममता बनर्जी वाराणसी गई हुई थी, वहाँ पे घाट पे आरती भी किया, तो जो वहाँ पे नाखुशगवार वाक्या हुआ, जो काले झंडे उन्हें दिखाएंगे, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस तरह से बनारस में ये वाक्या पेश आया है, तो इस पर राहत इंदौरी का एक शेर है ना कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, लगेगी आग तो आएंगे कई घर कई जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो बनारस जो मोदी जी का होम क्षेत्र है, वहीं से वो जीतकर पीएम के लिए नॉमिनेट हुए। अगर वहाँ पर एक सीएम के साथ इस तरह होता है तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि पूरे हिंदुस्तान में क्या माहौल होगी। एक सीएम जब वहाँ पर माने जमहूरियत का इस तरह से वहाँ पर कत्ल किया जा रहा है कि एक चीफ मिनिस्टर को वहाँ पर प्रचार करने से, वहाँ पर जाने से, इस तरह से वहाँ पर हिंदू वाहिनी कर रहे हैं कि वहाँ पर लग रहा कि क्या हो गया है। माने ममता बनर्जी से बीजेपी वाले इतना डर गए हैं कि वो सोच रहे हैं कि ये वाराणसी में वहाँ का पूरा वोट बैंक घुमा देंगे। और हिंदुस्तान की जिस हिफाजत की बात हमारे अमित शाह और मोदी कर रहे थे कि हिंदुस्तान सेफ जोन में है, जब सीएम सेफ नहीं है, सीएम के गाड़ी के सामने काला झंडा फेंक दिया जा रहा है, तो और यहाँ के आवाम और आम लोग किस तरह से सेफ है? आपने आपके चैनल से कवरेज भी किया गया था इंडिया न्यूज के, और आप लोगों ने भी देखा भी था 2021 के विधानसभा इलेक्शन में कि जेपी नड्डा हो, कैलाश विजयवर्गीय हो, अमित शाह हो, मोदी हो, जितने भी केंद्रीय मंत्री हो, स्मृति ईरानी हो, राजनाथ सिंह हो, जो भी एक्स वाई जेड जितने भी लोग हैं, बंगाल में इस तरह का कोई नाखुशगवार वाक्या नहीं आया था। यहाँ पर हमारे पीछे डल्लभ में जो डल्लभ ग्राउंड है, वहाँ पर मोदी अमित शाह ने एक बड़ा रैली किया था और वो उन लोगों के हिसाब से कामयाब रैली थी, मगर वहाँ हमारे मगरी बंगाल के आवाम, तृणमूल के कर्मी कभी उनके खिलाफ ऐसा हरकत नहीं किए। ये घटियापन है, इसका हम लोग पुरजोर मजम्मत करते हैं और पूरे हिंदुस्तान के आवाम को कहते हैं कि आप अपने इलाके में मजबूत होइए, नहीं तो आइंदा दिनों में आपको घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। कल का जो वाक्या हुआ, कहीं ना कहीं देखने से लगता है कि जो ममता बनर्जी की जो मकबूलियत पूरे हिंदुस्तान लेवल पर बढ़ रही है, इसको देख करके शायद बीजेपी सरकार डरी और सहमी हुई, इस तरह से वाक्या पेश आया। 200% डरी हुई है। 21 में बंगाल, 24 में दिल्ली, 24 में दिल्ली, यही टारगेट है। और ममता बनर्जी आज के डेट में सिर्फ बंगाल की नहीं, पूरे हिंदुस्तान की नेत्री बन चुकी है। अगर थर्ड फ्रंट बनता है तो ममता बनर्जी के अलावा थर्ड फ्रंट में कोई ऐसा फेस ही नहीं है जिसको पीएम का कैंडिडेट पेश करके हम लोग इलेक्शन लड़े। तो माने वन एंड वन ओनली ममता बनर्जी ही इसकी दावेदार है, और बाकी थर्ड फ्रंट जो जिस तरह से एक सिस्टम में आएगी कि किसको वो लोग पीएम का उम्मीदवार बना रहे हैं, मगर हम लोग बंगाल के लोग और खासकर जो माइनॉरिटी से बिलोंग कर रहे हैं, हम लोग की यही खास ख्वाहिश होगी कि इस बार ममता बनर्जी के को सामने रखकर थर्ड फ्रंट 2024 का एमपी इलेक्शन लड़े। मिला है हमारा जो फंडामेंटल, अब हम देखिए वोट तो देने मिला है, अब हमारी जो काउंसलर जीत के आए हैं उनकी ये जिम्मेदारी है कि ये 2 साल में किस तरह से उनको कवर करें, कभी किस तरह का एक रेसिडेंशियल चाहिए, एक कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, या एक कोई पेशेंट भर्ती है लोकल हॉस्पिटल में, थोड़ा सा फोन करके बोल दीजिए। लोकल लोग यही चाहते हैं, लोकल लोग आकर किसी काउंसलर से बोलेंगे नहीं कि आप हमको खाने को दीजिए, किसी काउंसलर से बोलेंगे नहीं हमको नौकरी दीजिए, क्योंकि ये उनके हद से बाहर है, इख्तियार में नहीं है। तो उसके लिए क्या है, लोकल लोगों की जो जरूरियात है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जितने भी लोग जीत कर आए हैं उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि आप लोग को एक बार फिर मौका मिला है, इस 5 साल में आप लोग इस तरह से अपने वार्ड के वार्ड को, अपने इलाके को और इलाके के लोगों का दिल जीत लें कि फिर उनके पास आपके अलावा कोई विकल्प ही ना रहे, माने कोई ऑप्शन ही ना रहे। सामने ममता बनर्जी का चेहरा, मदन मित्रा की काम और काउंसलरों के काम को देखते हुए कमरट्टी के आवाम फिर से अपने उसी सिस्टम में आ जाए और 24 का इलेक्शन यहाँ से जो भी हमारे कैंडिडेट होंगे एमपी के, उनको हम लोग भारी मतों से कामयाब करके ममता बनर्जी के हाथों को मजबूत करेंगे ताकि वो दिल्ली का जो किला है उसको हिला दें। तृणमूल कर्मी भी जो है, जो उन्होंने दिन रात मेहनत करके
अपने पार्टी के लिए खटा, बैनर लगाए, पोस्टर लगाए, मीटिंग किया, मिशिल किया, उन लोग को पुरखुलूस मुबारकबाद दूंगा, और जो कमट्टी के आवाम जिन्होंने वोट दिया और जिन्होंने नहीं दिया, दोनों को मुबारकबाद दूंगा मैं। देखिए इख्तलाफ हो सकता है, मेरी आपसे नहीं राय मिल सकती है, आपकी राय अलग है, मेरी राय अलग है, मगर अब तो एक सिस्टम बन गया है। अब मैं उन लोगों से यही गुजारिश और रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी काउंसलर है जिस वार्ड में, आप अपने काउंसलर के पास जाइए, जो भी काम है जो उनके इख्तियार में है वो जाकर उनसे बोलिए। अगर आप लोग को ऐसा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है तो आप लोगों को, आज तो सोशल मीडिया का दौर है, लोग तो बेबाकी के साथ बोल रहे हैं, आप बोलिए, एहतजाज कीजिए, हम लोग आपकी बातों को ऊपर लेवल तक ले जाएंगे, कोशिश करेंगे अपने अपने MLA के पास आप लोगों की बातों को पहुंचाए। मगर मैं ये भी दावे के साथ कह सकता हूं कि अब हमारे जितने भी काउंसलर्स हैं वो पब्लिक के साथ हैं और रहेंगे, इससे पहले भी थे, थोड़ा बहुत देखिए ऊपर नीचे होता है, क्योंकि 100% कोई नहीं दे सकता है। तो सामने MP इलेक्शन है, अभी से इसकी हम लोग तैयारी शुरू कर दें ताकि 2024 में हम लोग को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, पब्लिक अपने हिसाब से जो करना चाहे वो करें। चलिए शुक्रिया बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया।